हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। आज हम जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं उसे साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट के 27 खिलाड़ियों को भुगतान नहीं किया है, उनको सैलरी अब तक नहीं दी गई है। 6-10 महीने बताया जा रहा है कि हो गए हैं और अब तक इन खिलाड़ियों को इनकी सैलरी नहीं मिली है। और आपको ये भी बता देते हैं कि ग्रेड के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैटेगरी के हिसाब से इनको बांटा गया है। ए ग्रेड में रोहित शर्मा आते हैं, इसी के साथ आपको बता दें विराट कोहली भी इसी ग्रेड में आते हैं। इसके साथ आपको बताएं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े खिलाड़ी हैं वो कुल मिलाकर 27 हैं। अब इतना वक्त हो गया है और कुल मिलाकर जो रकम बताई जा रही है लगभग 99 करोड़ तक हो चुकी है। कैसे भुगतान होगा, कब तक भुगतान होगा, सवाल इस बात का भी बना हुआ है। आपको बताएं कि इसके अलावा यानी कि जो मैचेस होते हैं ये जो 10 महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है, उसके अलावा आपको बता दें कि 2 टेस्ट हैं इसमें, 9 वनडे हैं और 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस भी खिलाड़ियों ने खेले हैं, उसका भी भुगतान अब तक इनको नहीं किया गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों का जो पैसा भुगतान करना है वो अब कुल मिलाकर 99 करोड़ हो गया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। अब ग्रेड ए में शामिल कप्तान विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। 7 करोड़ इनको सालाना मिलना होता है जो कि अभी तक नहीं मिला है, और 1 करोड़ और 3 करोड़ और 5 करोड़ ये कुल मिलाकर बी और सी कैटेगरी वाले खिलाड़ी आ जाते हैं जिनको अभी तक भुगतान करना है। तो कुल मिलाकर अभी 27 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी मांग भी वो लगातार कर रहे हैं। अब 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख प्रति मैचेस की फीस मिलनी है, वो भी अभी तक नहीं भुगतान हो पा रहा है। तो अभी मांग यही की जा रही है इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए खिलाड़ियों के द्वारा कि जल्दी हमारी भाई आप सैलरी दीजिए और इसके अलावा जो हमने टेस्ट मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसका भी भुगतान जल्दी करिए। तो फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।